गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। मैं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान अहमद ब्लॉग्स। आज है 17 दिसंबर, दिन है शनिवार का। और आज जैसे कि जानते हैं कि मैं आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो का शूट ले रहा हूँ और इसी जरिए आपको बहुत दिनों बाद आज भवाली के इस वीडियो के जरिए आपको दर्शन कराते हैं। और आशा करते हैं कि आप इतने दिनों बाद भी हमें इस चैनल को भूले नहीं होंगे और इस चैनल के ज़रिए आप भवाली की जो खूबसूरती है उसका लुत्फ़ उठाएंगे। और आज का मौसम बहुत प्यारा है, बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आज हम फिर से वापस आए हैं अपनी नई वीडियो के संग। और आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे, अभी देखिए धूप इतनी प्यारी निकली हुई है। ये है फरसौली का नज़ारा, जो कि हमारे नंगारी गाँव कैलाश व्यू का नज़ारा है। पीछे आपके कैलाश व्यू दिखेगा आपको। और हमारे संग अभी थोड़ी देर में शहीद भाई भी ज्वाइन होंगे और आज देखते हैं भवाली के क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरती है वहाँ की और कैसे वहाँ आज क्या क्या चल रहा है भवाली में। सो गाइस चलते हैं और शहीद भाई को भी थोड़ी देर में अभी रिसीव कर लेंगे। तो अभी हम जॉर्जेस की तरफ को चल रहे हैं और वहीं पर से अभी शहीद भाई को भी हम ले लेंगे अपने संग और आज उनसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं, क्योंकि हम तो भवाली पे अभी इतने टाइम से है नहीं, मतलब बाजार को मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, घर के कामों में फंसा हुआ हूँ। तो आज आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का और कैसा चल रहा है भवाली में। और चलिए आज चलते हैं। तो आप हमारे संग हैं शहीद भाई, क्या हाल है शहीद भाई आपके? बहुत बढ़िया। और चलो आज चलते हैं फिर, आज भवाली के क्या नज़ारे हैं कुछ बताओगे आज हमें, क्या मौसम? आज यहाँ चटक धूप निकली है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। चटक धूप तो बहुत है यार, चटक धूप तो 3-4 दिन से बहुत निकली हुई और है। सर्दियों में पहली बार हो रहा है कि ऐसी धूप निकल रही है, वरना यहाँ तो बारिश और बर्फबारी हो जाती है इस टाइम। हाँ, वैसे तो इस समय बर्फबारी और बारिश का ज्यादा रहता है, मगर इस टाइम बहुत मौसम में चेंजेस दिखे आ रहे हैं। हाँ, इस बार मौसम में बहुत ज्यादा चेंजेस है, इस बार मौसम में जैसी गर्मी होनी थी वैसी हुई नहीं है, अभी जाड़ों में हो चुकी है। हाँ, अभी अभी धूप भी बहुत है, धूप ऐसी दिन में अगर बैठो तो स्वेटर की जरूरत ही नहीं है और शाम के वक्त भी खाली है, महीन स्वेटर की जरूरत पड़ रही है, बाकी कुछ नहीं है। क्यों सही कह रहा हूँ सही भाई? हाँ महीन भाई। और चलिए गाइस आज चलते हैं फिर बाजार में और बाजार में आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है बाजार के, कैसा माहौल हो रहा है। चलो गाइस चलते हैं। और गाइस ये है भवाली का TRH टूरिस्ट रेस्ट हाउस और यहाँ की तरफ आप देखेंगे फील्ड के बगल में आपको TRH दिख जाएगा, जो की बहुत बड़ा और बहुत अच्छा यहाँ पर है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ के आप मज़े ले सकते हैं। यहाँ पर कमरे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सही यहाँ पर रेंट पे यहाँ पर कमरे मिल जाते हैं, आप आइए यहाँ पर। और गाइस चलते हैं आगे और आप इसके बगल में आप देख रहे होंगे ये GGIC ग्राउंड है और यहाँ पर अभी आज इस बार कुछ भी नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड, बहुत प्यारा ग्राउंड। और ऊपर की तरफ आप नैनीताल के पहाड़ और डूब देख रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है अभी इस वक्त। धूप बहुत चटक है, ठंडा एक मात्र को नहीं है, लम्हा नहीं है। और ये चुंगी का यहाँ पर से आपको मिल जाता है पर्यटक आवास ग्रह। चलिए गाइस चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और क्या क्या है आज भवाली में स्पेशल क्या। सो गाइस आज हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर को, जो कि ये रास्ता निकलता है आपके जी पंथ के पास। सो आज चलते हैं यहाँ पर, ये मल्ली बाजार से होके जाता है और ये जी पंथ के पास निकलता है, तो आपको ये भी दिखाते हैं रास्ता। हमारे शहीद भाई भी हमारे संग हैं और ये रास्ता फिर यहाँ से आता है मल्ली बाजार से, नगर पालिका का जो ऑफिस है वहाँ से यहाँ को आएगा ये रास्ता। और यहीं से आगे को चलते हैं गाइज और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी जानवर भी दिख जाएंगे और बहुत चीज़ें दिख जाती हैं, बट रात के मतलब का रास्ता नहीं है, मैं तो दिन के वक्त आया हूँ, अभी 3 बज रहा है तो उस वजह से मैं आ गया। सो यहाँ का मौसम और मिजाज और लोकेशन कितनी प्यारी है वो आप देखिए, और देखिए बिल्कुल यहाँ बांस के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत प्यारे बांस के पेड़। और ये रास्ता सीधे जाता है जी पंथ के पास और हमारे शहीद भाई भी हैं हमारे संग। और तो शहीद भाई यहाँ पर और क्या क्या दिख जाएगा हमें फिर? यहाँ बहुत से जानवर दिख जाएंगे, जैसे जंगली मुर्गी हो गई, हिरन हो गया, काकड़ हो गया, बाघ हो गया, काकड़ हिरन। और लोकेशन भी बहुत अच्छी यहाँ से दिखती है, बीच में आए थे परसों, दिखा था हमें। हाँ, परसों हमें दिखा था, एक अभी टाइम हो गया है
काकर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसे काकर दिखा था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना मैं उसकी शॉर्ट जरूर डालता, वीडियो ब्लॉग तो मैं बना नहीं जाता उस समय, तो अब उस समय मैं शॉर्ट डालता, लेकिन वो मेरे कैमरा निकालते ही वो भाग गया। और लेकिन आप लोकेशन दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, कितनी प्यारी लोकेशन है। और यहाँ से आपको भवाली, MES, रानीखेत रोड और मंदिर, हमारा जो देवी मंदिर है वो, उसका बैक हो गया, रेहड़ हो गया, वो आपको बहुत प्यारी लोकेशन दिखती है। इसका मैंने एक शॉट भी डाला था आपको, इसी रोड का वो शॉट था, क्योंकि बहुत प्यारा एक लग रहा था। चलो भाई चलते हैं और आपको आज जी पंत का भी थोड़ी नज़ारे दिखाते हैं उस रोड के भी। चले फिर सईद भाई हम आगे वो, चलो यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं, भवाली का पूरा नज़ारा यहाँ से आता है। हम उतने टॉप में तो नहीं है, फिर भी यहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे आते हैं, क्योंकि भाई सही है ना भाई, बहुत सही आते हैं ना यहाँ से नज़ारे। हाँ तो आज हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कुछ नज़ारे यहाँ के भी। और गाइज़ ये भवाली के नज़ारे हैं, यहाँ पर आपको MES दिख जाएगा और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो नैनीताल रोड है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नैनीताल रोड, और इधर की नीचे ही आपको और चीज़ें भी दिख जाएंगे, दुकानें हो गई, और ये MES है। और गाइज यहाँ आपके पुराना रोडवेज स्टेशन हुआ करता था, तो सईद भाई अब यहाँ पार्किंग वो बन चुका है, यहाँ पर पार्किंग बन चुकी है और बहुत अच्छी पार्किंग, अभी काम है, काम अभी यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर वर्क चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पर बना हुआ है पार्किंग का पूरा, क्योंकि भवाली में पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या थी। और ये आपको चराया, और ये ऊपर की तरफ जाके जो गाड़ी जा रही है यहाँ पर, ये है नैनीताल रोड, नैनीताल रोड है ये। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो आपको, इधर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेहड़ दिख जाएगा, इधर की तरफ ये आपके रेहड़ की ऊपर की तरफ रेहड़ है। अभी सूरज की किरणें आ रही हैं तो साफ नहीं दिख रहा है, क्लियर सूरज की किरणें भी, और ये सूरज, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये हमारा जो रास्ता है ये है, और कितना अच्छा फोटोग्राफी और वीडियो शॉट के लिए बहुत अच्छा ये एरिया है। इधर की ऊपर की तरफ जंगल हो गए, और ऊपर यहाँ दुबई स्टेट, और जंगल में आपको बांज के, पूरे बांज के पेड़ दिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर प्लांटिंग भी गई है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नींबू का पेड़, कागजी नींबू का पेड़ है ये, और इधर पर आप देखेंगे तो ये माल्टे का पेड़, जो कि बहुत ही अच्छा और अच्छी नींव है जिसने भी ये लगाया हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है ये। माल्टे का पेड़ भी है, नींबू का पेड़ भी है, और पेड़ भी यहाँ पर बहुत है, इसकी वेराइटीज़ हमें पता नहीं है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सईद भाई कुछ अपनी यादें बताओ फिर यार, यहाँ से रिलेटेड कुछ है कुछ? हम यहाँ से स्कूल आया जाया करते थे, पहले तो ये बहुत आम रास्ता था, यहाँ बहुत लोग आते थे, सारे जितने भी बच्चे थे सब यहीं से जाया करते थे। अच्छा, और बीच में यहाँ गाड़ी पार्किंग बना दिया गया था, तो आगे से उसमें वो लगा दिया गेट, दो जो किनारे से सीढ़ी वाला बनाया है वो आम जनता के लिए है। अच्छा, तो ये है यहाँ का, तो आप यहाँ आया करते थे तो क्या करने आते थे? यहाँ से स्कूल जाते थे, यहाँ से शॉर्टकट स्कूल पड़ता था, नीचे चौराहे घूमने से अच्छा यहाँ से जाते थे। ये शॉर्टकट और बिल्कुल अच्छा रास्ता, लेकिन घना जंगल है, थोड़ी डर लगती है शाम के वक्त आने में, यहाँ बाघ और काकड़ ये सब का थोड़ा रहता है, क्यों ये तो है, थोड़े यहाँ पर इतनी मुसीबत रहती है। चलो गाइस चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कुछ अच्छे और नज़ारे जो हम कैप्चर कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे, और देखिए कितनी सीधी रोड है और कितना प्यारा मौसम है। आप यहाँ आए सुनसान बिल्कुल, गाड़ियों की क्योंकि नीचे से आ रही है, बस बस नहीं है, जैसा कि हम कह रहे थे देखिए काकड़ हमें दिख चुका है यहाँ पर, और देखिए कितने प्यार से चल रहा है वो, इसके क्लोज तो हम जा नहीं सकते हैं, आपको जानने भाग जाएगा, दिखाते हैं और वरना भाग जाएगा ये, हमारी आवाज़ सुन के भी भाग सकता है ऐसे तो, लेकिन देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। इतने प्यार से काम कर खा रहा है और अपना चारा घास खा रहा है यहाँ पर, देखिए तो आप आगे बढ़ते हैं इसी रास्ते से और आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। गाइस आते आते वो रास्ता अब छोटा हो चुका है और हम घने जंगल के अंदर घुस चुके हैं, ये भी शॉर्टकट है, आपको इसका जो स्टार्टिंग है वो दिखाऊंगा, वो मैं दिखा नहीं पाया कि वो रास्ता आपको कहीं और से जाता है। देखिए लोकेशन कितनी प्यारी आ रही है यहाँ पर, खुद का स्टेट है पर,
क्या कहा आपने, दुबई स्टेट ना? हाँ, ऊपर है दुबई स्टेट, और वो सामने जहाँ चील चल रही है वो वर्मा टॉप है, वहाँ पे एक मंदिर है। अच्छा, की तरफ वर्मा टॉप, यहाँ मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है जी? मुझे कंफर्म नहीं है, मगर वहाँ भंडारा होता है। और ये यहाँ पर खेत जैसे रामखेत में हुआ करते हैं ना, बिल्कुल सीढ़ीदार खेत कहते हैं जिसे, वो यहाँ पे देखे होंगे सीढ़ीदार खेत, बिल्कुल सारे लग रहे हैं मस्त। और ऊपर की तरफ बांस का पूरा घना जंगल, इसकी तरफ भी आप देखेंगे पूरा घना जंगल है। ये है गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवानी का, और हम इस रास्ते से आए थे, और यहाँ पर हमें एक गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवानी का, जो कि बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, यहाँ पर पूरा बिक चुका है, फिर भी हम आपको ये पूरा दिखाया। भाई भाई लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। और ये है नगर पालिका ग्राउंड भवानी का, ताकि बहुत समय बाद आज यहाँ पर क्रिकेट मैच देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ टेंट शादी का और इधर की तरफ आपकी दुकानें अभी जो आज लगी नहीं है वैसे, क्योंकि बुधवार और शनिवार रविवार को लगती है, शनिवार का दिन है, तो आज बहुत दिनों बाद बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं अपना, और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे यार बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि एकमात्र यही एक ग्राउंड है जहाँ पर बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, और बच्चों के लिए एक ग्राउंड है। और आप ऊपर भी देख रहे होंगे तो कितना सुहाना मौसम, और सूरज डूब चुका है ऊपर, ये रिहर डिबिट्टो स्कूल, नीचे क्रिकेट चलता हुआ, और उधर की तरफ गाड़ी, और हम हैं इधर अर्श होटल वाली रोड पर। सो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।